अ इस एक छोटे से लेक्चर के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं ठीक है जी और सबसे पहले मैं यहां पे आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं जो आपका अगला काम है आपने गूगल पे जाना है यहां पे डायरेक्टली लिखना है खान एकेडमी और खान एकेडमी पे जाने के बाद आपके पास ये एक फ्री रिसोर्स आ जाएगा खान एकेडमी का आप इस पे जाएंगे इस पे जाने के बाद आपके पास नीचे आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के जो लेक्चर्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी शो हो रहे हैं बट आई विल जस्ट क्लिक हीयर स्पीड थोड़ी सी इंटरनेट की कम है बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइव स्ट्रीमिंग दिस जस्ट गिव मी वन सेकेंड आप यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे कोर्सेज़ पे क्लिक करने के बाद आपने जो लेक्चर्स देखने मैंने आपको पहले भी बताया था अलजब्रा वन का अल्जबरा टू algebra basics and then you will go towards college algebra और उसके बाद यहाँ पर linear algebra है। तो पिछले lectures अगर आपने नहीं देखे तो आपसे request करता हूँ कि वो इनके देख लें and then move towards linear algebra जैसे आप linear algebra पे click करेंगे which you are going to learn in the next one day यानी कि कल तक आप इसको देखेंगे linear algebra के अंदर vectors and spaces का unit है पहला फिर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है एंड देन अल्टरनेट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है कि हमारे पास किस किस्म के कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं इन्होंने भी वेक्टर को डिफाइन किया लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्पैन्स लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जब आप इसको देख रहे होंगे मीन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसी के ऊपर कॉलेज अल जो है उसे भी जरूर देखें रीजन ये है कि कॉलेज अल के अंदर आपको बेसिक सारी की सारी चीज़ों का पता चल जाएगा सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये है जी हमारे पास कॉलेज अल जो बिल्कुल न्यू टास्क है यहाँ पे ये इसके यूनिट्स हैं टोटल फोर्टीन यूनिट्स हैं इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ फॉर्म एंड लीनियर इक्वेशन फंक्शन कॉर्डिनेटिक्स मल्टीप्लाइंग एंड फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं क्या होते हैं, कंप्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं एक्सपोनेंट, रेडिकल्स ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये बेस्ट रिसोर्स है आपके लिए आप इसको प्रैक्टिस करें एक कॉलेज अल को फॉर टुडे और सेकंड लीनियर अलजब्रा को इट वॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ ना इट विल बी वेरी इज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत आसान जुबान के अंदर छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर हर एक यूनिट को बताया हुआ यह है फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर सारे वैक्टर्स की एग्जाम्पल बताई हुई हैं और वैक्टर्स की टाइप्स जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बताई हुई हैं फिर हमारे पास अगला यूनिट स्टार्ट हो जाता है जो है लीनियर कम्बीशन ऑफ स्पेस और इन यूनिट्स के अंदर बाकी चीज़ें जो हैं आप आहिस्ता आहिस्ता उनको देख सकते हैं ये लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं आई नो दैट कि आप गूगल करना चाहते हैं तो खान अकेडमी पर जाकर प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और जैसे आप इसको देख लेंगे देन इट वुड बी इजीियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको लीनियर अलजेब्रा आना जरूरी है मैं साथ-साथ कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की लीनियर अलजेब्रा क्यों जरूरी है क्योंकि हम न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग और डिफरेंट किस्म के वेट्स पासेस एंड डिफरेंट किस्म के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब हम डिसाइज करेंगे एट दैट पॉइंट वी नीड टू हैव ऑल दिस नॉलेज